नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब कुशल पूर्वक होंगे। तो बच्चों, आज हम दिल्ली के सुल्तान भाग दो पढ़ेंगे। कल भाग एक में आपने दिल्ली की स्थापना, दिल्ली के सुल्तानों का शासनकाल व दिल्ली के विस्तार के बारे में पढ़ा। आज हम इसी पाठ को आगे बढ़ाते हुए इसको आगे ले जाएंगे। बच्चों, ये देखो, ये 12वीं सदी के आखिरी दशक में बनी कुवत अल इस्लाम मस्जिद तथा इसकी मीनारें आपको चित्र दो में दिखाई दे रही हैं। ये जामा मस्जिद दिल्ली के सुल्तानों द्वारा बनाए गए सबसे पहले शहर, जिसे उस समय दहेली ए कुहना कहा जाता था, वहां स्थित है। इस मस्जिद का विस्तार इल्तुतमिश और अलाउद्दीन खलजी ने किया। मीनार तीन सुल्तानों, पहले थे कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरे इल्तुतमिश और तीसरे फिरोज शाह तुगलक द्वारा बनाई गई। अच्छा बच्चों, अब आप ये बताओ कि मस्जिद किसे कहते हैं? मस्जिद अरबी भाषा का शब्द है, जिसका शाब्दिक अर्थ है ऐसा स्थान जहां मुसलमान अल्लाह की आराधना में सजदा करते हैं। सजदा क्या होता है बच्चों? घुटने और माथे टेक कर प्रार्थना करना, इसे सजदा कहते हैं। जामा मस्जिद या मस्जिद ए जामी वे मस्जिद होती है जहां अनेक मुसलमान एकत्र होकर साथ साथ नमाज पढ़ते हैं। नमाज की रस्म के लिए सारे नमाजियों में से सबसे अधिक सामान्य और विद्वान पुरुष को इमाम के रूप में चुना जाता है। इमाम शुक्रवार की नमाज के दौरान धर्मोपदेश, जिसे खुतबा भी कहते हैं, देता है। नमाज के दौरान मुसलमान मक्का की तरफ मुंह करके खड़े होते हैं। भारत से मक्का पश्चिम दिशा की ओर पड़ता है। मक्का की ओर की दिशा को किबला कहा जाता है। देखो बच्चों, ये चित्र नंबर 3, ये बेगमपुरी मस्जिद है। ये मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल में दिल्ली से उसकी नई राजधानी जहां पना की मुख्य मस्जिद के तौर पर बनाई गई थी। अब जहां पना का मतलब भी क्या होता है, मैं आपको बता देती हूँ। जहां पना का मतलब होता है विश्व की शरण स्थली। ये मोहम्मद तुगलक ने अपनी नई राजधानी का नाम रखा था। हम इन दोनों स्थानों दहेली ए कुहना व जहां पना को फिर से एक बार मानचित्र 1 में ढूंढेंगे। ये देखो बच्चों, दहेली ए कुहना और जहां पना याद रहेगा ना बच्चों, अब भूलोगे तो नहीं। दिल्ली के सुल्तानों ने सारे उपमहाद्वीप के अनेक शहरों में मस्जिदें बनवाई। इससे उनके मुसलमान और इस्लाम के रक्षक होने के दावे को बल मिलता था। समान आचार संहिता और आस्था का पालन करने वाले श्रद्धालुओं के परस्पर एक समुदाय से जुड़े होने का बोध उत्पन्न करने में भी मस्जिदें सहायक थी। एक समुदाय का अंग होने के बोध को प्रबल करना जरूरी था, क्योंकि मुसलमान अनेक भिन्न भिन्न प्रकार की पृष्ठभूमियों से आते थे। बच्चों, ये चित्र देखो, ये है मोट की मस्जिद। सिकंदर लोदी के शासनकाल में ये उसके मंत्री द्वारा बनवाई गई। ये जमाली कमाली की मस्जिद 1520 के दशक के आखिरी दिनों में निर्मित की गई थी। अब आपको मस्जिद की जानकारी प्राप्त हो गई। आओ कुछ प्रश्न उत्तरों का सिलसिला शुरू करें। तो पहला प्रश्न है, कुवत अल इस्लाम मस्जिद कौन से दशक में बनाई गई थी? ऑप्शन है 13वीं सदी, 12वीं सदी या 11वीं सदी। सही उत्तर है 12वीं सदी। अगला प्रश्न, जामा मस्जिद दिल्ली के किस हिस्से में बनाई गई थी? पहला ऑप्शन सीरी, दूसरा दहेली ए कुहना, तीसरा जहां पना। सही उत्तर है दहेली ए कुहना। अगला प्रश्न, दहेली ए कुहना दिल्ली का कौन सा भाग है? ऑप्शन है नया शहर, पुराना शहर। उत्तर पुराना शहर। अगला प्रश्न, जामा मस्जिद का विस्तार किस शासक द्वारा किया गया? इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खलजी या जलालुद्दीन खलजी? सही उत्तर है इल्तुतमिश और अलाउद्दीन खलजी। अगला प्रश्न, मस्जिद कौन सी भाषा का शब्द है? उर्दू, फारसी या अरबी? सही उत्तर है अरबी।
अगला प्रश्न देखें, मस्जिद में लोग क्या करने जाते थे? पहला ऑप्शन सजदा करने, दूसरा गीत सुनने या कहानी सुनने। सही उत्तर है सजदा करने। अगला प्रश्न, इमाम कौन होता था? ऑप्शन है नेता, वजीर या पुरोहित। सही उत्तर है नेता। तो अब हम शुरू करने जा रहे हैं अगला उपविषय, खलजी और तुगलक वंश के अंतर्गत प्रशासन और समेकन। नजदीक से एक नजर। बच्चों, दिल्ली सल्तनत जैसे विशाल साम्राज्य के समेकन के लिए विश्वसनीय सूबेदारों तथा प्रशासकों की जरूरत थी। दिल्ली के आरंभिक सुल्तान, विशेषकर इल्तुतमिश, सामंतों और जमींदारों के स्थान पर अपने विशेष गुलामों को सूबेदार नियुक्त करना अधिक पसंद करते थे। इन गुलामों को फारसी में बंदगा कहा जाता है तथा इन्हें सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था। इन्हें सावधानी से महत्वपूर्ण पदों के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है। ये पूरी तरह अपने मालिक के वफादार होते थे। इन्हें बेटों से बढ़कर भी माना जाता था। उनका मानना था कि जिंदगी में कभी कभी ही योग्य और अनुभवी गुलाम मिलते हैं। आओ हम फिर से प्रश्न उत्तर का खेल खेलें। तो शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न, दिल्ली सल्तनत जैसे विशाल साम्राज्य के समेकन के लिए किन लोगों की जरूरत थी? पहला ऑप्शन विश्वसनीय सूबेदारों और प्रशासकों की या दूसरा गुलामों की। सही उत्तर है विश्वसनीय सूबेदार और प्रशासकों की। अगला प्रश्न, गुलामों को फारसी में क्या कहा जाता है? नौकर, दास या बंदगा? सही उत्तर है बंदगा। अगला प्रश्न, बंदगा क्यों खरीदे जाते थे? पहला ऑप्शन घर के कार्य करने के लिए या दूसरा सैनिकों की सेवा के लिए? सही उत्तर है सैनिकों की सेवा के लिए। प्रश्नों के बाद हम फिर से अपने पाठ की तरफ आप सभी बच्चों को लेकर चलते हैं। खलजी और तुगलक शासक बंदगा का इस्तेमाल करते रहे और साथ ही अपने पर आश्रित निम्न वर्ग के लोगों को भी ऊंचे राजनीतिक पदों पर बिठाते रहे। इन्हें सूबेदार व सेनापति जैसे पद प्राप्त हुए, परंतु इसकी वजह से राजनीतिक अस्थिरता भी पैदा होने लगी, क्योंकि यह गुलाम जिन्हें हम बंदगा कहते हैं और आश्रित अपने मालिकों के प्रति तो वफादार रहते थे, परंतु उनके उत्तराधिकारियों के प्रति इनकी वफादारी नहीं होती थी। नए सुल्तानों के अपने नौकर होते थे। फलस्वरूप किसी नए शासक के सिंहासन पर बैठते ही प्रायः नए और पुराने सरदारों के बीच टकराहट शुरू हो जाती थी। सुल्तानों द्वारा निचले तबके के लोगों को संरक्षण दिए जाने के कारण उच्च वर्ग के कई लोगों को गहरा धक्का भी लगता था और फारसी तवारीख के लेखकों ने भी इसी वजह से दिल्ली के सुल्तानों की आलोचना की है। सुल्तान मोहम्मद तुगलक ने अजीज खुमार नामक कलाल का मतलब होता है शराब बनाने और बेचने वाला, फिरोज हज्जाम नामक नाई, मनका तबाक नामक बावर्ची और लड्डा तथा पीरा नामक मालियों को ऊंचे प्रशासनिक पदों पर बिठाया था। 14वीं शताब्दी के मध्य के इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी ने उल्लेख करते हुए कहा था कि दिल्ली सुल्तान मोहम्मद तुगलक के राजनीतिक विवेक का नाश हो गया है और वे शासन करने में सक्षम नहीं हैं। तो बच्चों, अब कुछ प्रश्न पूछे जाएं। तो बच्चों, पहला प्रश्न है, दिल्ली के आरंभिक सुल्तान विशेषकर इल्तुतमिश किन्हें सूबेदार नियुक्त करना अधिक पसंद करते थे? पहला ऑप्शन सामंतों या जमींदारों या गुलामों। सही उत्तर है गुलामों। अगला प्रश्न, गुलाम और आश्रित अपने मालिकों और संरक्षकों के प्रति कैसा व्यवहार अपनाते थे? पहला धोखेबाजी, दूसरा वफादारी या तीसरा विश्वासघाती। सही उत्तर है वफादारी। अगला प्रश्न, जियाउद्दीन कौन था? ऑप्शन नाटककार, इतिहासकार या कवि? सही उत्तर है इतिहासकार। आओ बच्चों, कुछ रिक्त स्थान भरें। विकल्प आप ऊपर देख सकते हैं, जियाउद्दीन, राजनीतिक, नौकर, सेनापति, सूबेदार, ऊंचे, सुल्तानों। तो नीचे आपको वाक्य दिखाए जाएंगे और आप ऊपर से विकल्प भरेंगे।
तो शुरू करें बच्चों। पहला, नए सुल्तानों के अपने रिक्त स्थान होते थे। दूसरा, आश्रित लोगों को ऊंचे रिक्त स्थान पदों पर बैठाते थे। तीसरा, निम्न वर्ग के लोगों को रिक्त स्थान और रिक्त स्थान जैसे पद दिए जाते थे। चौथा, लेखकों ने निचले खानदान के लोगों को रिक्त स्थान पदों पर बैठाने के लिए दिल्ली के रिक्त स्थान सुल्तानों की आलोचना भी की है। पांचवा, रिक्त स्थान इतिहासकार ने इन नियुक्तियों का उल्लेख करते हुए कहा था कि सुल्तान मोहम्मद तुगलक के विवेक का नाश हो गया है। तो बच्चों, पहला क्या होगा? नौकर, बिल्कुल सही। दूसरा, राजनीतिक। तीसरे का पहला भाग सेनापति, दूसरा भाग सूबेदार, चौथा ऊंचे, दूसरे भाग में सुल्तानों, पांचवा जियाउद्दीन। बहुत अच्छे बच्चों, आप सभी पूरी मेहनत से पाठ को समझने का प्रयत्न कर रहे हैं। आओ अब पाठ को आगे ले जाया जाए। पहले वाले सुल्तानों की ही तरह खलजी और तुगलक शासकों ने भी सेना नायकों को भिन्न भिन्न आकार के इलाकों के सूबेदार के रूप में नियुक्त किया। ये इलाके इक्ता कहलाते थे और इन्हें संभालने वाले अधिकारी इक्तादार या मुक्ति कहे जाते थे। मुक्ति का फर्ज था सैनिक अभियानों का नेतृत्व करना और अपने इक्ता में यानी कि इलाके में कानून और व्यवस्था बनाए रखना। इन्हें वेतन के बदले अपने मुक्ति यानी इलाकों से राजस्व की वसूली करने का अधिकार प्राप्त था। इसी राजस्व की रकम से इनके सैनिकों को तनख्वाह प्राप्त होती थी। मुक्ति पर काबू रखने के लिए उनका पद वंश परंपरा से ना होकर बल्कि थोड़े थोड़े समय के लिए ही उन्हें इक्ता यानी इलाका दिया जाता था और उसके बाद उनका स्थानांतरण कर दिया जाता था। मुक्ति लोगों द्वारा एकत्रित किए गए राजस्व की रकम का हिसाब लेने के लिए राज्य द्वारा लेखा अधिकारी, फिर से सुने बच्चों, लेखा अधिकारी नियुक्त किए जाते थे और इस बात का ध्यान रखा जाता था कि मुक्ति राज्य द्वारा निर्धारित कर ही वसूले और तय संख्या के अनुसार सैनिक रखें। जब दिल्ली के सुल्तानों शहरों से दूर आंतरिक इलाकों को भी अपने अधिकार में ले आए तो उन्होंने भूमि के स्वामी, सामंतों और अमीर जमींदारों की भी अपनी सत्ता के आगे झुकने को बाध्य कर दिया। अलाउद्दीन खलजी के शासनकाल में भू राजस्व के निर्धारण और वसूली के कार्य को राज्य ने अपने नियंत्रण में ले लिया। स्थानीय सामंतों से कर लगाने का अधिकार छीन लिया गया बल्कि स्वयं उन्हें भी कर चुकाने को बाध्य किया गया। कुछ पुराने सामंत और जमींदार राजस्व अधिकारी व वसूली अधिकारी के रूप में सल्तनत की नौकरी करने लगे। उस समय तीन तरह के कर होते थे। पहला कर कृषि पर, जिसे खराज कहा जाता था और किसान अपनी उपज का लगभग आधा हिस्सा कर के रूप में देते थे। दूसरा कर मवेशियों पर तथा तीसरा कर घरों पर। अब चलो बच्चों, पाठ को आगे बढ़ाया जाए। बच्चों, ये याद रखना बहुत जरूरी है कि उस समय इस उपमहाद्वीप का बहुत बड़ा भाग अभी भी दिल्ली के सुल्तानों के नियंत्रण से बाहर था। बंगाल जैसे सुदूर प्रांतों का नियंत्रण कठिन था और दक्षिण भारत की विजय के तुरंत बाद ही वे पूरा क्षेत्र फिर से स्वतंत्र हो गया था। गंगा के मैदानी इलाकों में भी घने जंगलों वाले क्षेत्रों में सुल्तान की सेनाएं अपना नियंत्रण करने में सक्षम नहीं थी। स्थानीय सरदारों ने इन क्षेत्रों में अपना शासन जमा लिया। ये सरदार रक्षा व्यवस्था करने में कुशल थे। अफ्रीकी देश मोरक्को के एक यात्री इब्न बतूता जब 14वीं सदी में भारत आए थे तब उन्होंने इन सरदारों की रक्षा व्यवस्था का बहुत ही सुंदर वर्णन किया था। इब्न बतूता ने बतलाया है कि सरदार कभी कभी चट्टानी उबड़ खाबड़ पहाड़ी इलाकों में किले बनाकर रहते थे और कभी कभी बांस के झुरमुटों में। भारत के बांस बहुत ही मजबूत होते थे, उन पर आग का भी असर नहीं होता था। ये बांस किले की प्राचीर का काम करते थे। इस दीवार के घेरे में सरदार अपनी मवेशी और फसल रखते थे। अंदर पानी की भी उपलब्धता होती थी जो कि वर्षा का संग्रहित जल ही था। इसीलिए सरदारों को प्रबल बलशाली सेनाओं के बिना हराया नहीं जा सकता था। बच्चों, आपको सरदारों की रक्षा व्यवस्था कैसी लगी?
मैं तो बहुत ही प्रभावित हो गई। इनकी बांस की जानकारी सुनकर मुझे लगता है कि आपको भी इनकी बहादुरी पर गर्व हो रहा होगा। तो आओ आगे पाठ को बढ़ाएं। चंगेज खान के नेतृत्व में मंगोलों ने 1219 में उत्तर पूर्वी ईरान में ट्रांस ऑक्सियाना, जिसे आजकल उज्बेकिस्तान कहा जाता है, पर हमला किया और इसके शीघ्र बाद ही दिल्ली सल्तनत को उनका धावा झेलना पड़ा। अलाउद्दीन खलजी और मोहम्मद तुगलक के शासनकालों के आरंभ में दिल्ली के धावे बढ़ गए। इससे मजबूर होकर दोनों ही सुल्तानों को एक विशाल स्थानीय सेना खड़ी करनी पड़ी। इतनी विशाल सेना को संभालना प्रशासन के लिए भारी चुनौती थी। आइए देखें कि इन दोनों सुल्तानों ने इस चुनौती का सामना कैसे किया। तो बच्चों ये देखो, यहाँ पर आपको एक चार्ट दिखाई दे रहा है, इसमें अलाउद्दीन खलजी और मोहम्मद तुगलक के बारे में आपको जानकारी दी जा रही है। आओ बच्चों हम इनकी सफलताओं और असफलताओं के बारे में जानकारी लें। अलाउद्दीन खलजी, दिल्ली में दो बार हमले हुए, 1299 1300 में और 1302 से 1303 में। इनका सामना करने के लिए अलाउद्दीन खलजी ने एक विशाल स्थानीय सेना खड़ी की। अलाउद्दीन खलजी ने अपने सैनिकों के लिए सीरी नामक एक नया गैरिसन शहर बसाया। हम फिर से मानचित्र एक को देखेंगे और उसमें फिर से हम सीरी शहर को ढूंढेंगे। तो ये रहा सीरी। सैनिकों के पेट भरने की समस्या को गंगा यमुना के बीच की भूमि से कर के रूप में खेती की पैदावार इकट्ठी करके हल किया गया। किसानों की पैदावार का 50% हिस्सा कर के तौर पर तय कर दिया गया था। सैनिकों के वेतन भी देना होता था। अलाउद्दीन ने सैनिकों को एकता के स्थान पर नकद वेतन देना तय किया। सैनिक अपना आवश्यक सामान दिल्ली के व्यापारियों से खरीदते थे और ये आशंका थी कि व्यापारी अपनी चीज़ों की कीमतें बढ़ा देंगे। इसे रोकने के लिए अलाउद्दीन ने दिल्ली में चीज़ों की कीमतों पर नियंत्रण लागू कर दिया। अफसर बड़ी सावधानी से कीमतों का सर्वेक्षण करते थे और जो व्यापारी निश्चित दरों का उल्लंघन करते थे उन्हें सजा मिलती थी। अलाउद्दीन के प्रशासनिक कदम काफ़ी सफल रहे। इतिहासकारों ने कीमतों में कमी और बाजार में वस्तुओं की कुशलता से आपूर्ति के लिए उसके शासनकाल की बहुत प्रशंसा की है। मंगोल आक्रमणों के खतरे का भी उसने सफलतापूर्वक सामना किया। आओ बच्चों तो अब हम मोहम्मद तुगलक के बारे में जानते हैं। मोहम्मद तुगलक के शासन के प्रारंभिक वर्षों में सल्तनत पर हमला हुआ। मंगोल सेना परास्त हो गई। मोहम्मद तुगलक को अपनी सेना की शक्ति और अपने संसाधन पर इतना विश्वास था कि उसने ट्रांस ऑक्सियाना पर आक्रमण की योजना बना ली। एक स्थायी सेना तैयार करना उसका आक्रामक कदम था। नया गैरिसन शहर बनाने के स्थान पर दिल्ली के चार शहरों में से सबसे पुराने शहर देहली एक कोहना को निवासियों से खाली करवाकर वहां सैनिक छावनी बना दी गई। पुराने शहर के निवासियों को दक्षिण में बनी नई राजधानी दौलताबाद भेज दिया गया। सेना को खिलाने के लिए उसी इलाके से खाद्यान्न इकट्ठे किए गए, लेकिन सैनिकों की विशाल संख्या को ज़रूरत पूरी करने के लिए सुल्तान ने अतिरिक्त कर भी लगाए। इसी दौरान उस क्षेत्र में अकाल भी पड़ा। मोहम्मद तुगलक भी अपने सैनिकों को नकद वेतन देता था, लेकिन कीमतों पर नियंत्रण करने की जगह उसने कुछ कुछ आज की कागजी मुद्रा की तरह टोकन सांकेतिक मुद्रा चलाई। ये सिक्के धातु के बने होते थे, लेकिन सोने चांदी के ना होकर सस्ती धातु के। 14वीं सदी के लोगों को इस मुद्रा पर भरोसा नहीं था। वे बड़े चतुर थे। अपने सोने चांदी के सिक्के वे बचाकर रख लेते थे और अपने तमाम कर इस टोकन मुद्रा से ही चुकाते थे। इस सस्ती मुद्रा जैसी जाली सिक्के भी बड़ी आसानी से बनाए जा सकते थे। मोहम्मद तुगलक द्वारा उठाए गए प्रशासनिक कदम बेहद असफल रहे। कश्मीर पर उसका आक्रमण पूरी तरह विफल रहा। तब उसने तुरान पर हमला करने का इरादा छोड़ दिया और अपनी विशाल सेना को भंग कर दिया। इसी बीच उसने प्रशासन संबंधी जो कदम उठाए थे उनसे कई परेशानियां पैदा हो गईं। दौलताबाद ले जाए जाने से लोग बहुत नाराज थे। करों में वृद्धि और गंगा यमुना के दुआब में अकाल से विक्षुब्ध जनता बगावत पर उतर आई और मोहम्मद तुगलक को अंततः टोकन मुद्रा भी वापस लेनी पड़ी। बच्चों इन तमाम असफलताओं की गिनती करने में हम कभी कभी भूल जाते हैं कि सल्तनत के इतिहास में पहली बार दिल्ली के किसी सुल्तान ने मंगोल इलाके को
फतह करने के अभियान की योजना बनाई थी। जहां अलाउद्दीन खलजी का बल प्रतिरक्षा पर था, वहां मोहम्मद तुगलक के द्वारा उठाए गए कदम मंगोलों के विरुद्ध सैनिक आक्रमण की योजना का हिस्सा थे। चलो बच्चों, कुछ प्रश्न उत्तर पूछे जाएं। तो पहला प्रश्न, किसके नेतृत्व में मंगोलों ने 1219 में उत्तर पूर्वी ईरान में ट्रांस ऑक्सियाना पर हमला किया? ऑप्शन है चंगेज खान और दूसरा है फतेह खान। सही उत्तर है चंगेज खान। अगला प्रश्न, चंगेज खान का सामना करने के लिए किसने विशाल स्थायी सेना खड़ी की थी? ऑप्शन है सिकंदर लोदी, दूसरा अलाउद्दीन खलजी। सही उत्तर है अलाउद्दीन खलजी। अगला प्रश्न, अलाउद्दीन ने अपने सैनिकों के लिए किस नाम से गैरिसन शहर बनाया? पहला ऑप्शन जहांपना, दूसरा पुराना शहर, तीसरा सीरी। सही उत्तर है सीरी। किसके काल में मंगोल सेना परास्त हुई? पहला ऑप्शन मोहम्मद तुगलक, दूसरा फिरोज शाह, तीसरा गियासुद्दीन तुगलक। सही उत्तर है मोहम्मद तुगलक। अगला प्रश्न, मोहम्मद तुगलक ने कहां पर नई राजधानी बसाई? नई दिल्ली, गाजियाबाद या दौलताबाद? सही उत्तर है दौलताबाद। अगला प्रश्न, मोहम्मद तुगलक ने कौन सी मुद्रा चलाई? पहला ऑप्शन टोकन, सांकेतिक मुद्रा या चांदी के सिक्के। सही उत्तर है टोकन, सांकेतिक मुद्रा। अगला प्रश्न, कौन सा शासक कुशल था, मोहम्मद तुगलक या अलाउद्दीन खलजी? सही उत्तर है अलाउद्दीन खलजी। बच्चों अब आप रिक्त स्थान भरने में मेरा सहयोग दें। पहला रिक्त स्थान, इतनी विशाल सेना को संभालना रिक्त स्थान के लिए भारी रिक्त स्थान थी। तीसरा, दहेली एक कूना को निवासियों से खाली करवा कर वहाँ रिक्त स्थान बना दी। चौथा, मोहम्मद तुगलक द्वारा उठाए गए रिक्त स्थान कदम बेहद असफल रहे। पांचवा, रिक्त स्थान को अंततः टोकन मुद्रा भी वापस लेनी पड़ी। छठा, अलाउद्दीन ने रिक्त स्थान के आक्रमणों के खतरे का भी सफलतापूर्वक सामना किया। आपके सामने विकल्प हैं मंगोल, प्रशासनिक, मोहम्मद तुगलक, प्रशासन, चुनौती, सैनिक छावनी, चीज़ों, कीमतों। तो सही उत्तर आप हमें बताएंगे। तो बच्चों पहले का सही उत्तर क्या होगा? प्रशासन पहले भाग में और दूसरे भाग में चुनौती। शाबाश। दूसरे का उत्तर बताओ बच्चों। तीसरे का उत्तर सैनिक छावनी। चौथे का उत्तर प्रशासनिक। पांचवे का उत्तर मोहम्मद तुगलक। और छठे का मंगोलो। शाबाश बच्चों, आपने बिल्कुल सही उत्तर दिए। तो चलो बच्चों फिर से हम पाठ को आगे बढ़ाते हैं और पाठ का अंतिम उपविषय को हम चर्चा करते हैं, 15वीं तथा 16वीं शताब्दी में सल्तनत। तालिका एक को फिर से देखें, आप पाएंगे कि तुगलक वंश के बाद 1526 तक दिल्ली तथा आगरा पर सैयद तथा लोदी वंशों का राज्य रहा। तब तक जौनपुर, बंगाल, मालवा, गुजरात, राजस्थान तथा पूरे दक्षिण भारत में स्वतंत्र शासक उठ खड़े हुए थे। उनकी राजधानियां समृद्ध थी और राज्य फल फूल रहे थे। इसी काल में अफगान तथा राजपूतों जैसे नए शासक समूह भी उभरे। इस काल में स्थापित राज्यों में से कुछ छोटे तो थे पर शक्तिशाली थे और उनका शासन बहुत ही कुशल तथा सुव्यवस्थित तरीके से चल रहा था। शेर शाह सुर 1540 से 1545 ने बिहार में अपने चाचा के एक छोटे से इलाके के प्रबंधक के रूप में काम शुरू किया था और आगे चलकर उसने इतनी उन्नति की कि मुगल सम्राट हुमायूं, जो 1530 से 1540 और 1555 से 1556 तक को चुनौती दी और परास्त किया। शेर शाह ने दिल्ली पर अधिकार करके स्वयं अपना राजवंश स्थापित किया। सुर वंश ने केवल 15 वर्ष 1540 से 1555 तक शासन किया, लेकिन इसके प्रशासन ने अलाउद्दीन खलजी वाले कई तरीकों को अपनाकर उन्हें और भी चुस्त बना दिया। महान सम्राट अकबर 1556 से 1605 में ने जब मुगल साम्राज्य को समेकित किया तो उसने अपने प्रतिमान के रूप में शेर शाह की प्रशासन व्यवस्था को ही अपनाया था। बच्चों अब कुछ प्रश्नों के उत्तर द्वारा आपका फिर से पुनरावृत्ति
किया जाता है? पहला प्रश्न, तुगलक वंश के बाद 1526 तक दिल्ली तथा आगरा पर किन वंशों का राज्य था? ऑप्शन है सूरी वंश, मुगल वंश, लोदी वंश। सही उत्तर है लोदी वंश। अगला प्रश्न, शेर शाह सूर ने किसको परास्त किया? ऑप्शन है हुमायूं, अपने चाचा को। सही उत्तर है हुमायूं को। अगला प्रश्न, 1540 से 1555 तक कौन से शासक ने शासन किया? ऑप्शन है हुमायूं, दूसरा बाबर, तीसरा शेर शाह सूरी। सही उत्तर है शेर शाह सूरी। अगला प्रश्न, शेर शाह सूरी ने किसके तरीकों को अपनाया? पहला ऑप्शन मोहम्मद तुगलक, दूसरा हुमायूं या तीसरा अलाउद्दीन खिलजी। सही उत्तर है अलाउद्दीन खिलजी। बच्चों, अब हम ध्यान से इस अध्याय के निष्कर्ष को सुनेंगे। पहला निष्कर्ष, दिल्ली में राजधानी की स्थापना को तोमर राजा अनंगपाल ने, जो कि राजपूत वंश से थे, उन्होंने किया। दूसरा, दिल्ली के शासन काल में प्रशासन की भाषा अरबी थी। तीसरा, खलजी और तुगलक वंश के दौरान सल्तनत का सबसे अधिक विस्तार हुआ। चौथा, इबन बतूता अफ्रीकी देश मोरक्को से भारत आए थे। पांचवा, रजिया सुल्तान के बारे में हम बात करते हैं कि एक औरत के लिए उस समय में शासन करना आसान नहीं था। छठा, दिल्ली के सुल्तान जंगलों को कटवाते थे, अपनी सेना के लिए किले बनवाते थे और उनके खाने पीने के लिए खेती भी की जाती थी। तो ये थी बच्चों दिल्ली की सल्तनत। और बच्चों, आपको ये पाठ समझ में आ गया होगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस पाठ को आप अच्छे से समझ गए होंगे। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, खूब पढ़ें, खूब बढ़ें। धन्यवाद।